फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं। इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है, ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।